हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 94, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 26 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास फिफ्थ के बच्चों के लिए है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पार्ट एक राग की रस्सी से लिया गया है और उसका टॉपिक है आइए कहानी बनाएं। नमस्कार बच्चों, आप सब ने कहानी राग की रस्सी पढ़ी। कहानी के अंत में लोनपोगार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देता है जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की थी। क्या आपने सोचा कि इसके बाद क्या हुआ होगा? चलिए सोचिए और इस कहानी को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर इस कहानी को आगे बढ़ाना है। जब कहानी के अंत में लोनपोगार अपने बेटे की शादी उसी लड़की से करवा देता है जिसने की उसकी मदद की थी, तो अब हमें ये बताना है कि उसके बाद क्या हुआ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे और कहानी को पढ़ने के बाद आप इस कहानी को खुद से पूरा करेंगे। पाठ एक, राग की रस्सी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनक वसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? तो बच्चों, लोनपोगार कौन थे? लोनपोगार तिब्बत के जो राजा थे उनके मंत्री थे, ठीक है, और वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे और उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। लेकिन क्या हुआ कि उनका एक बेटा था, जब वो बेटा बड़ा हुआ तो उनके लिए चिंता हो गई। चिंता किस बात की? चिंता इस बात की कि जो उनका बेटा था वो बहुत ही भोला सा था, एकदम सीधा साधा, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी चालाकी नहीं थी। तो लोनपोगार ने सोचा कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो बच्चों, लोनपोगार ने क्या किया? लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े दी और ये कहा कि भाई इन्हें लेकर तुम शहर जाओ, और शहर जाने के बाद ऐसा मत करना कि कहीं इन भेड़ों को मार दो या बेच दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इन भेड़ों को वापस लेकर आना है और इन भेड़ों के साथ में 100 जौ के बोरे भी लाने हैं। जौ क्या है? अनाज है। वरना मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं घुसने दूंगा। और ये कहकर उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ भेज दिया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वे इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। तो बच्चों, लोनपोगार का बेटा शहर तो पहुंच गया, लेकिन अब वो सोचने लगा कि वो जौ के बोरे कैसे खरीदेगा, क्योंकि उसके पास तो रुपए ही नहीं थे और ना ही उसके पिताजी ने उसको रुपए दिए थे। तो इस समस्या को सोचने के लिए वो एक सड़क के किनारे बैठ गया। अब वो बहुत ही दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ गई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। तो उस लड़की ने उससे क्या पूछा कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? तो लोनपोगार के बेटे ने सब कुछ बता दिया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है। ये किसने कहा? लड़की ने कहा कि इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उसने बोला कि इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है, मेरे पास इस बात का हल है। अच्छा बच्चों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़की के पास क्या हल होगा? आइए देखते हैं। बच्चों, इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। तो बच्चों, देखा लड़की कितनी समझदार थी।
उसने क्या किया, भेड़ों के शरीर पर जो बाल थे उन्हें उतारा और उनको बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। अब देखो, जब उसे बाजार में बेचा तो बेचने के बाद जो भी पैसे मिले उन पैसों से 100 जौ के बोरे खरीदे और उस लड़के को वापस घर भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। तो बच्चों, लोनपोगार को क्या लगा? लोनपोगार को लगा कि अब उसके पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसने ना तो उन भेड़ों को बेचा और ना ही मारा, बल्कि वो उन्हें वापस लेकर आया और साथ में 100 जौ के बोरे भी लेकर आया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके पिताजी बिल्कुल खुश नहीं हुए, वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो उसके पिताजी ने उसे बुलाया और कहा कि जो तुमने पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचे ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, अब तुम क्या करो, इन भेड़ों को लेकर दोबारा शहर जाओ और जब वापस लौटो तो 100 जौ के बोरों के साथ ही लौटना। अब देखो आगे क्या हुआ होगा, तो फिर देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने उसे क्यों यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे, लड़की सोच कर बोली। एक तरीका है, उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। तो अब देखो क्या हुआ, लोनपोगार का बेटा फिर से निराश हो गया। उसने सोचा कि अब वह क्या करे, तो उसने क्या किया, वो शहर में जाकर उसी जगह बैठ गया जहां वो पहले बैठा था, क्योंकि उसको यकीन था कि यहां पर वो लड़की ज़रूर आएगी। और आपको पता है ऐसा ही हुआ, वो लड़की वहां पर आई। लोनपोगार के बेटे ने उसको अपनी सारी मुश्किल बता दी और कहा कि अगर मुझे जौ के 100 बोरे नहीं मिले तो मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की ने सोचा कि एक तरीका तो है, उसने क्या किया, भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बाजार में जाकर बेच दिया, और उनसे जो भी रुपए मिले उन रुपए से 100 जौ के बोरे खरीदकर लोनपोगार के बेटे को वापस घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजय भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। तो देखिए अब क्या हुआ, अब लोनपोगार के बेटे ने वो जो 100 भेड़े थी और जौ के बोरे थे वो अपने पिता के हवाले कर दिए, और वो बहुत खुश भी था क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जीत गया है। लेकिन लोनपोगार ने बोला कि उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर अपने पिता का संदेश दे दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। तो अब देखिए, अब एक शर्त लड़की ने भी रखी। लड़की ने क्या कहा कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। तो लड़की ने कहा कि भाई मैं रस्सी बना दूंगी, लेकिन वो रस्सी तुम्हारे पिताजी को अपने गले में पहननी होगी। लोनपोगार के बेटे ने यह बात अपने पिता यानी लोनपोगार को बताई। लोनपोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, क्योंकि राख जो होती है वो तो बिल्कुल पाउडर जैसी होती है। इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। पत्थर के सिल पर मतलब पत्थर के टुकड़े पर रखा, ठीक है। और देखो फिर क्या किया, और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। तो देखो लड़की ने क्या किया, 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर रख दिया, और सिल पर रखने के बाद उसने उसे जला दिया। तो जब जलाया तो क्या हुआ, रस्सी तो जल गई मगर रस्सी की राख बच गई।
इसे वह सेल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। तो अब लड़की ने क्या किया कि उसने उस पूरे सिल को उठाकर वो लोनपोगार के पास ले गई और उसे कहा कि भाई ये बन तो गई है, अब आपको इसे पहनना है। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। तो लोनपोगार रस्सी देखकर हैरान हो गए, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उसे उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। तो लड़की की समझदारी देखी आपने, लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी भी धरी रह गई और अब उन्होंने बिना वक्त गवाए अपने बेटे के लिए शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो बच्चों देखा कि लड़की कितनी समझदार थी और उसने किस तरह से बार बार लोनपोगार की मदद की। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपने शब्दों में यहाँ पर लिखना है, तो आप इस कहानी को बहुत अच्छे से कीजिएगा। प्रश्न एक, आपने पाठ में पढ़ा कि लोनपोगार ने अपने बेटे को जौ के बोरे लाने को कहा था। गेहूं और चावल की तरह जौ भी एक तरह का अनाज है। दी गई वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढिए और लिखिए। तो बच्चों नीचे आपको एक वर्ग पहेली दी हुई है, आपको इस वर्ग पहेली में से अनाजों के नाम ढूंढने हैं और यहाँ पर लिखने हैं, जैसे कि मक्का। तो ये देखिए, इसे हमने लिया है यहाँ से। ऐसे ही आपको दूसरे अनाजों के नाम भी ढूंढने हैं, तो आइए इन नामों को ढूंढ कर देखते हैं। तो बताइए जल्दी से आपको यहाँ पर और कौन सा अनाज दिख रहा है। बिल्कुल सही, यहाँ पर हमें दिख रहा है चावल। तो आप क्या करेंगे, चावल को यहाँ लिख देंगे। और बताइए, गेहूं। ऐसे ही आपको बाकी अनाजों के नाम ढूंढकर यहाँ लिखना है। प्रश्न दो, बच्चों हम सब तरह तरह के त्योहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि। हर त्योहार से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। ऐसा ही एक त्योहार है दशहरा। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत होती है। इस त्योहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कौन सी बुरी आदत पर जीत पाना चाहेंगे, अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों हम सब तरह तरह के त्यौहार मनाते हैं, जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व और भी कई तरह के त्यौहार, और हर त्यौहार से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। ऐसा ही एक त्यौहार है दशहरा। आप जानते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। तो बच्चों हम सब में कोई ना कोई बुरी आदत तो होती ही है, तो आपको क्या करना है, इस त्यौहार से शिक्षा लेते हुए आप अपनी कौन सी बुरी आदत पर जीत पाना चाहते हैं, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप इसे ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।